लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीबी न्यूज में आपका स्वागत है। अगर आपने हवाई जहाज में सफर किया है या कम से कम उसे देखा है तो एक चीज शायद आपने कभी नोटिस की हो। आपने देखा होगा कि भारतीय विमानों के ऊपर एक रजिस्ट्रेशन कोड लिखा होता है जो VT से शुरू होता है। कभी सोचा है कि आखिर इस VT का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि हर विमान के ऊपर इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के नियमों के मुताबिक एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है जिसके पहले दो अक्षर कंट्री कोड को दर्शाते हैं। तो इस हिसाब से VT भारत का कंट्री कोड है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारा कंट्री कोड तो IN या BH होना चाहिए, फिर VT क्यों? तो जान लीजिए कि ये VT कोड हमें आजादी के पहले अलॉट किया गया था और इसका मतलब है वायसराय टेरिटरी। सीधे शब्दों में कहें तो VT ब्रिटिश राज का एक प्रतीक है और आज भी ये दर्शाता है कि भारत वायसराय द्वारा प्रशासित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आजादी के बाद भी भारत ने इस VT कोड को अपनी खुशी से या अज्ञानतावश ओढ़ा हुआ है। दरअसल इसकी जगह अपनी पसंद का दूसरा कोड लेने के प्रयास किए गए, लेकिन दुर्भाग्यवश ICAO के पास न तो IN उपलब्ध है, न ही BH और न ही HI। जो भी विकल्प उपलब्ध है वे या तो X से शुरू होते हैं या V से। अब X या V से शुरू होने वाला कोई ऐसा कोड अभी तक नहीं सोचा जा सका है जिसका संबंध किसी तरह भारत से जुड़ता हो। संसद में इस मुद्दे को लेकर समय समय पर सांसद आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन अभी तक VT कोड बदला नहीं जा सका है।